ये जो सोटी वंश जिससे श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहे वह रूप धाती है, अलग अलग टाइम पे उन्होंने पूरी वंशावली निकाल कर दी, कैसे लव और कुश के परिवार से चलते चलते सिख गुरुओं की रूप आए, क्योंकि तो भगवान वाल्मीकि ना होते तो लव और कुश कैसे होते, ठीक है गलत है, और भगवान लव और कुश ना, अगर लव और कुश ना होते तो हम कैसे होते। ते भाजपा आगू ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सने सिख गुरु साहबानां नूं लव अते कुश दे वंशज दस्या। जी हाँ, भाजपा दे आगू अते स्पोक्सपर्सन आर पी सिंह ने एक विवादित बयान दिता है, जिस विच उन्होंने एक रामलीला दे मंचन दौरान जदों वो संबोधन कर रहे सी तां उत्थे दावा किया कि सिख गुरुआं दा वंश भगवान राम अते माता सीता दे जुड़वा पुत्र लव अते कुश दे वंश विचों पैदा होया है। हम लोग ये कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बानी है, चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन बारो बारी। ये जो सोटी वंश जिससे श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहे वह रूप धाती है, अलग अलग टाइम पे उन्होंने पूरी वंशावली निकाल कर दी, कैसे लव और कुश के परिवार से चलते चलते सिख गुरुओं की रूप आए, कैसे श्री लव और कुश से चलते चलते सिख गुरुओं के स्वरूप आए। इसलिए हम लोग ने नहीं है भगवान वाल्मीकि जी की, क्योंकि भगवान वाल्मीकि ना होते तो लव और कुश कैसे होते, ठीक है गलत है, और भगवान लव और कुश ना, अगर लव और कुश ना होते तो हम कैसे होते। वंश तो वहीं की, वंशाली तो वहीं की है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, ये नवरात्रे शुभ हो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो, आपको खूब भगवान राम आपकी खूब तरक्की करें, भगवान हनुमान आपकी जरा चिंता करें, आपकी रक्षा करें, आपकी रक्षा करें। और इसी के साथ मैं एक बार एक जयकारा लगाऊंगा, बोल सियापति रामचंद्र की, माइक के बिना बोलकर सुनाऊं, बोल सियापति रामचंद्र की। एक बार आप हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। ते उधरे वीडियो सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हो रही है, ते कई लोग सिख भाजपा आगू आर पी सिंह खिलाफ पड़ास भी कर रहे हैं, जबकि भाजपा आगू ने दावा किया है कि जेकर लव ते कुछ ना होंगे तो सिख पैदा ही नहीं होने सी। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बानी है, चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन बारो बारी। ये जो सोटी वंश जिससे श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहे वह रूप धाती है, अलग अलग टाइम पे उन्होंने पूरी वंशावली निकाल कर दी, कैसे लव और कुश के परिवार से चलते चलते सिख गुरुओं की रूप आए, कैसे श्री लव और कुश से चलते चलते सिख गुरुओं के स्वरूप आए। इसलिए हम लोग ने नहीं है भगवान वाल्मीकि जी की, क्योंकि भगवान वाल्मीकि ना होते तो लव और कुश कैसे होते, ठीक है गलत है, और भगवान लव और कुश ना, अगर लव और कुश ना होते तो हम कैसे होते। वंश तो वहीं की, वंशाली तो वहीं की है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, ये नवरात्रे शुभ हो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो, आपको खूब भगवान राम आपकी खूब तरक्की करें, भगवान हनुमान आपकी जरा चिंता करें, आपकी रक्षा करें, आपकी रक्षा करें। और इसी के साथ मैं एक बार एक जयकारा लगाऊंगा, बोल सियापति रामचंद्र की, माइक के बिना बोलकर सुनाऊं, बोल सियापति रामचंद्र की। एक बार आप हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। तो हुण ये दावा किन्ना सही है ते किन्ना गलत है, इस बारे भी सोशल मीडिया ते चर्चा छिड़ गई है, जबकि कुछ लोग इस मामले च श्री अकाल तख्त साहिब अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों आर पी सिंह खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।